गॉड्स ऑफ इजिप्ट। फिल्म गॉड्स ऑफ इजिप्ट एक ऐसे बदले की कहानी है जहां एक देवता अपने ही चाचा की गद्दारी का शिकार हो जाता है। चाचा उस देवता के पिता को मारकर उसकी भी आंखें निकाल लेता है, जिसके बाद देवता की लाइफ में आता है एक इंसान और बदल देता है उसकी जिंदगी। लेकिन क्या वो देवता अपना बदला लेने में कामयाब होगा? वो इंसान उस देवता की मदद कैसे करेगा? क्या होगा इस बदले का अंजाम? चलिए बताते हैं आपको फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि इतिहास शुरू होने से पहले इजिप्ट ही हर जीव का जन्म स्थान होता था। यहाँ देवता इंसानों के साथ रहते थे और इंसान उनकी पूजा और सम्मान करते थे। फर्क इतना था कि इंसानों की रगों में खून तो देवताओं की रगों में सोना दौड़ता था। देवता जब चाहते किसी भयानक दरिंदे का रूप ले लेते थे। इजिप्ट दो शक्तिशाली भाइयों में बटा हुआ था, जिनमें से एक ओसिरिस जिंदगी का देवता था, जबकि दूसरा था सेट, बंजर रेगिस्तान का राजा। यहाँ से सीन बदलता है और वक्त आता है ओसिरिस के बेटे होरस की ताजपोशी का। होरस की ताजपोशी होने ही वाली है कि ओसिरिस का भाई सेट वहाँ अपनी सेना के साथ आकर ओसिरिस को मार गिराता है। होरस अपने पिता की मौत से आग बबूला होकर सेट पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सेट और होरस खूंखार दरिंदे बनकर लड़ाई करने लगते हैं। सेट होरस को हरा देता है और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे अपनी आगे की जिंदगी अंधेरे में बिताने के लिए छोड़ देता है। सेट खुद को इजिप्ट का नया राजा घोषित कर इंसानों को आदेश देता है कि उन्हें अपने आगे के पुनर्जन्म के लिए भुगतान करना होगा। समय बीतने के साथ सेट का अत्याचार लोगों पर बढ़ा और लोग इजिप्ट छोड़कर जाने लगे। जो वहां रहते उन्हें पुनर्जन्म के लिए पैसा नहीं कमाने दिया जाता था। उधर इजिप्ट का रहने वाला एक चोर बेक अपनी प्रेमिका जाया से मिलने महल में घुसता है। जाया यहाँ आर्किटेक्ट उर्शु के लिए काम करती है। वो बेक को कहती है कि उसे सेट के खजाने में घुसकर होरस की आंखें चुरानी होगी, ताकि होरस इजिप्ट की जनता को सेट के जुल्म से बचा सके। इसके लिए जाया बेक को उस खजाने का नक्शा भी समझाती है। वो दोनों नक्शा घर में राजा सेट के रेत वाले पिरामिड का नक्शा भी देखते हैं। नक्शे को देखकर जाया कहती है कि पिरामिड की आग सेट की शक्ति का जरिया है। इसके बाद बेक खजाने वाली जगह पहुंचकर होरस की एक आंख चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वापस महल पहुंचकर देखता है कि सेट के सिपाहियों ने जाया को घेर लिया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जाया को लेकर वहां से भागता है, मगर जाया को सिपाहियों का एक तीर लग जाता है और वो घायल हो जाती है। बेक उसे लेकर सीधा होरस के पास जाता है और उसे जाया को बचाने के लिए कहता है, मगर इतने में मौत का देवता आकर जाया की आत्मा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बेक होरस को उसकी एक आंख देता है और उस पिरामिड में घुसने का रास्ता बताने के लिए कहता है, जहां सेट की शक्ति होती है। इसके बदले में वो होरस से जाया की आत्मा को वापस लाने का वचन लेता है। एक आंख आ जाने के बाद भी होरस की गॉड वाली शक्तियां नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों आंखें होने के बाद ही उसे मिलेंगी। महल जाने से पहले होरस अपने दादाजी रा से अंतरिक्ष में मिलता है। उसके दादा रा सूरज के देवता हैं, जो अंधेरे से इजिप्ट की रक्षा करते हैं। अपनी दादाजी रा के पास से होरस जादुई पानी अपने साथ लाता है। होरस और बेक वापस धरती पर पहुंचते हैं, जहां उनका मुकाबला सेट के सिपाहियों से होता है। होरस कुछ सिपाहियों को मार देता है, लेकिन बचे हुए सिपाही होरस को खाई से नीचे फेंक देते हैं, जिसके पीछे बेक भी कूद जाता है। मगर होरस और बेक बच जाते हैं। तब होरस बेक से कहता है कि अपने साथ लाया जादुई पानी पिरामिड की आग बुझाएगा और इससे सेट की शक्ति कम हो जाएगी। इधर दूसरी ओर सेट अपनी पत्नी को मारने के बाद प्यार की देवी हथोर से कहता है कि वो जल्द ही दुनिया पर हुकूमत करेगा। हथोर अपने जादू से होरस से बात करती है, मगर सेट हथोर को भी मारने की कोशिश करता है, तो हथोर वहां से भाग जाती है। सीन बदलता है और होरस और बेक के पीछे सेट के सिपाही खूंखार पालतू जानवरों को लेकर पहुंचते हैं, जिसे देख होरस और बेक भागने लगते हैं। होरस और उन जानवरों की लड़ाई होती है, जिनमें एक जानवर मर जाता है। इतने में वहां प्यार की देवी हथोर आती है और दूसरे जानवर को खत्म करती है। हथोर सेट के पिरामिड के रक्षक सिंह मानव के बारे में बताती है कि द्वार पर उन्हें एक जानवर मिलेगा जो उनसे एक पहेली पूछेगा। अगर वो इसे नहीं सुलझा पाते
तो सिंह मानव उन्हें मार देगा। इस पर होरस कहता है कि वो बुद्धि के देवता थॉट से मदद मांगेंगे। इसके बाद वो तीनों थॉट से मिलते हैं, जो होरस की बात सुनकर मदद के लिए मान जाता है। वहीं अपनी प्रेमिका की याद में उदास बैठे बेक के पास हथोर जाकर कहती है कि वो प्यार की देवी है और उसका काम मुर्दों में जान डालना था। उसके हाथ में एक 42 सितारों का कड़ा है जो राक्षसों से उससे दूर रखता है। इसे होरस ने उसके लिए बनाया था। तभी हथोर जाया की आत्मा से बात करके उसे बताती है कि बेक उसके साथ है। तब बेक जाया से बात करता है और कहता है कि होरस और वो एक दूजे की मदद कर रहे हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर होरस, हथोर, बेक और थॉट पिरामिड के द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां बेक एक दरवाजे से पिरामिड के अंदर कूदता है और सबके लिए दरवाजा खोल देता है। यहां सिंह मानव उनसे एक पहेली पूछता है। थॉट उसका सही जवाब देता है और होरस के लिए आगे का द्वार खुल जाता है। वो अंदर पहुंचते ही है कि होरस एक पिंजरे में फंस जाता है और उसके हाथ से जादुई पानी की बोतल भी गिर जाती है। तभी वहां सेट आता है और थॉट का दिमाग निकाल लेता है। बेक किसी तरह उस बोतल को उठाकर आग के पास उसे उड़ेलने जाता है, मगर सेट उसे बातों में उलझाकर उस पानी की बोतल को बर्बाद कर देता है। सेट के जाते ही वो पिरामिड धंस जाता है, मगर होरस बेक और हथोर को बचा लेता है। हथोर मौत के देवता को बुलाकर जाया के पुनर्जन्म के लिए अपना कड़ा उसकी कीमत के रूप में कुर्बान करके चली जाती है। होरस उस कड़े को बेक को देते हुए कहता है, इसका जो करना है करो। ये कड़ा लेकर बेक अपनी प्रेमिका जाया के पास नर्क के द्वार पर पहुंच जाता है, जहां पुनर्जन्म के लिए सौदा होता है। यदि कोई आत्मा अपने पुनर्जन्म के लिए सामान देती है और पलड़ा भारी हो जाता है तो उसे पुनर्जन्म मिलता है, और यदि उसके पास सामान नहीं होता या उसका सामान हल्का होता है तो उस आत्मा को शरीर छोड़ देना पड़ता है। बेक वहां जाता है, मगर जाया उसे लेने से मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। एक बार फिर सिन बदलता है और सेट के खूंखार अवतार को दिखाते हैं। सेट अपने उस कवच में थॉट का दिमाग, ओसिरिस का दिल, होरस की आंख और अपनी पत्नी के पंखों को लगाकर अपने पिता यानी सूरज के देवता रा के पास पहुंच जाता है। सेट अपने कामों के बारे में बताता है और पूछता है कि उन्होंने उसे रेगिस्तान में क्यों भेजा और ओसिरिस को राजा क्यों बनाया। तब रा बताता है कि ओसिरिस एक अच्छा राजा था। रा उसे समझाते हैं कि वो सेट को अपनी जगह देखना चाहते हैं, लेकिन सेट कहता है, मैं अमर जीवन चाहता हूँ। दोनों के बीच इसके बाद युद्ध हो जाता है और सेट अपने पिता रा को मार डालता है। वो रा का भाला अपने पास रख लेता है और वापस आकर अंधकार फैलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बेक हवाओं के देवता यानी होरस के पास लौट आता है और दोनों राजधानी की तरफ हथोर के रथ पर निकल पड़ते हैं। रा का भाला सेट के पास रहता है, जिसे वापस लेने के लिए बेक और होरस महल में घुसते हैं। होरस दीवार से चढ़ते हुए मीनार की छत पर चढ़ता है, जो कि दूसरी तरफ बेक और उर्शु में लड़ाई शुरू हो जाती है और उर्शु मारा जाता है। होरस को मीनार के ऊपर सेट मिलता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सेट अपने भाले से होरस को मारने ही वाला होता है कि बेक वहां आकर सेट का ध्यान भटका देता है। अब सेट बेक के पीछे पड़ जाता है, मगर बेक चालाकी से होरस की दूसरी आंख को सेट के कवच से निकाल लेता है। बेक उस आंख को होरस की तरफ फेंकता है, लेकिन खुद मीनार से नीचे गिर रहा होता है। तब होरस आंख को पकड़ने की बजाय बेक को पकड़ता है, मगर तभी सेट के हमले से दोनों मीनार से नीचे गिरने लगते हैं और होरस अपने देवता वाले रूप में आकर बेक को बचा लेता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि एक आंख के साथ भी वो देवता ही है। जिसके बाद होरस और सेट के बीच लड़ाई होती है और सेट के मरने के साथ ही ये लड़ाई खत्म होती है। होरस वो भाला लेकर अपने दादाजी की आत्मा के पास पहुंचता है और उन्हें जिंदा कर देता है। रा अपने भाले से अंधेरे का नाश करते हैं और इसके साथ ही नरक के दरवाजे पर भी रोशनी हो जाती है। होरस को धरती पर अपनी दूसरी आंख भी मिल जाती है, मगर तब तक बेक मर चुका होता है। तब होरस के दादा रा बेक और जाया को पुनर्जन्म देते हैं। फिल्म के अंत में होरस की ताजपोशी होती है और वो इजिप्ट का राजा बनता है। वो घोषणा करता है कि पुनर्जन्म अपने अच्छे कामों से मिलेगा, न कि किसी और चीज से। इसके बाद बेक होरस को वो कड़ा दे देता है, जिसे लेकर होरस उड़ जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।